शैम्पू में चावल के पानी को इस तरीके से मिला करके आप अपने बालों को धो ले, आपके बाल इतने ज़्यादा बढ़ेंगे, इतनी ज़्यादा आपकी बाल की ग्रोथ होगी दोस्तों कि सच में आपको कटवाने की भी नौबत आ सकती है। जितना भी आप लंबा चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लंबा होना लगेगा आपका बाल और आपको कटवाने की नौबत आ जाएगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव आज का मैं आपको DIY शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, जिससे आपके बाल बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, लंबे, काले, घने हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है, ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको बोला कि चावल के पानी, तो दोस्तों आपको लेना है चावल। चावल के लिए यहाँ पे आप कोई सा भी चावल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉयल्ड राइस ले रही हूँ क्योंकि मेरे घर में सभी लोग बॉयल्ड राइस ही खाते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपके पास जो भी चावल है, चाहे बॉयल्ड राइस हो, स्टीम राइस हो या फिर कच्चा चावल हो, कोई भी चावल ले सकते हैं, बासमती चावल भी ले सकते हैं दोस्तों। चावल का पानी दोस्तों कहा जाता है कि हर चीज़ में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कराता है। अक्सर चावल के पानी का जो बचा हुआ पानी होता है जिससे आप चावल वगैरह धोते हैं, उस पानी को अगर आप पेड़ में भी डालोगे ना तो पेड़ की भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, पेड़ की जड़ें बहुत ही स्ट्रांग होती है, फूल वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से निकलते हैं। उसी प्रकार अगर आप चावल के पानी से आप अपने बालों को धोते हैं ना तो आपके बालों की भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। चावल में फाइबर के साथ साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, आयरन होती है जो कि हमारे बालों को बहुत ही स्ट्रांग करता है, लॉन्ग करता है और सिल्की बनाता है। अगली सामग्री आपको लेनी है कॉफ़ी, 2 रुपए की कॉफ़ी लेनी है दोस्तों। कॉफ़ी तो मैंने आपको पहले भी बहुत सारे DIYs में बताया है कि कॉफ़ी से क्या होता है। कॉफ़ी से आपके बाल नेचुरली काले होते हैं। अगर आपके बाल ग्रे होने शुरू हो चुके हैं तो आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाएगा और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो आपको अगली सामग्री लेनी है, ये हमारा है चाय का पत्ती, जो कि दोस्तों आपके किचन में ऑल टाइम रहता है। चाय का पत्ती का तो पता ही है कि इस्तेमाल क्या होता है, चाय बना जाता है, ऑब्वियसली सबको पता है दोस्तों। लेकिन इसके अलावा भी इसके इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि सबको नहीं पता होता है। हमारे बालों के लिए चाय का पत्ती वरदान होता है, कहा जाता है चाय का पत्ती का अगर इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए करोगे ना तो बालों को बहुत ही खूबसूरत, सिल्की, शाइनी बनाएगा, बालों को नेचुरली काला करने में हेल्प करता है, ग्रे हो रहे बालों को जो है बहुत ही जल्दी रोकता है, काला करके रखता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज का DIY कैसे बनाना है, आपको किसी भी बर्तन में लेना है 1 गिलास पानी, जिसमें भी आप पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं। उसके बाद उसमें आपको लेना है 3 से 4 चम्मच आपको जो भी नॉर्मल चावल आप खाते हैं वो चावल ले लेना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच चाय का पत्ती और 1 कॉफ़ी का जो पाउडर होता है, 1 पाउच है ना, वो डाल दीजिए। एकदम मैजिकली काम करेगा ये वाला DIY। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, 10 से 12 मिनट तक काफ़ी अच्छे से मीडियम से लो फ्लेम पे इस पानी को उबालना है ताकि जितनी भी हमने इंग्रेडिएंट्स, इतनी भी सामग्री हमने इसमें ऐड की है, सभी के बेनिफिट्स इस पानी में आ जाए और ये पानी हमारा सुपर मैजिकल बन जाए आपके बालों के लिए। बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको सच में यकीन नहीं होगा, बाल नेचुरली काले लगेंगे। बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी ग्रे हो रहे हैं तो उसको ये रोकेगा, उसके साथ साथ आपकी जड़ों को मजबूत बना करके रखेगा, स्ट्रांग बना के रखेगा दोस्तों, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है हमारे जड़ों से ही होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट के बाद आपको इस पानी को अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद दोस्त देख सकते हैं ये एकदम मैजिकल पानी बन चुका है फ्रेंड्स, एकदम ज़बरदस्त मैजिकल पानी। तो इस पानी का आपको इस्तेमाल किस प्रकार से करना है मैं आपको अभी बताती हूँ। जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं, जो भी आप DIYs यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, शैम्पू अक्सर लोग यूज़ करते हैं लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जो भी मैं शैम्पू लगाती हूँ वही शैम्पू आप अपने बालों के लिए इस्तेमाल करिए। एकदम ये पानी तो ज़बरदस्त मैजिकल है ही, इसको जस्ट लाइक हेयर सीरम के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी स्प्रे बॉटल में भर करके अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप किसी भी शैम्पू को ले लें, मैं यहाँ पे जोक शैम्पू ले रही हूँ जो कि नेचर श्योर का है, बहुत ही अच्छा शैम्पू है दोस्तों, हमारे बालों से जुए इन्फेक्शन डैंड्रफ को हटा करके हमारे बालों को बहुत ही खूबसूरत काला लंबा घना बनाता है। तो वो शैम्पू आपको 3 से 4 चम्मच ले लेनी है आपको अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, और फिर बहुत ही अच्छे से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है दोस्तों। शैम्पू तो बहुत सारे मार्केट में होते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो बहुत केमिकल वाले शैम्पू बनाते हैं जिससे हमारे बाल अच्छे होने की वजह बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है ऐसे शैम्पू यूज़ करें जो बिल्कुल नेचुरल हो, बहुत ही बढ़िया हो, किसी तरह का ज़्यादा केमिकल ना हो।
तो दोस्तों मैं जो भी शैम्पू यूज़ करती हूँ मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालती हूँ, आप भी वो वाले शैम्पू ज़रूर ट्राई करें। बस इस तरीके से आपको शैम्पू में जो कि DIY मैंने बनाया है चावल के पानी वाला, उसको मिक्स कर देना है और उसके बाद इसी पानी से आपको अपने बालों को वॉश करना है। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से आप अपने बालों को शैम्पू कीजिए। बाल को जब शैम्पू कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोगों को शैम्पू करने का तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके बाल बहुत ही ज़्यादा टूटने लगते हैं। तो बहुत ही ईजिली आपको इस तरीके से शैम्पू का पानी अपने बालों पे ऊपर से नीचे डालना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपको अपने बालों को रब करना है। बहुत ही ज़्यादा घसना नहीं है, रगड़ना नहीं है। और फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट तक आपको ये वाला शैम्पू आपके बालों में लगा रहने दे और उसके बाद इस पानी को धो ले, साफ़ कर ले दोस्तों, मतलब नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश कर ले दोस्तों। दोस्तों आपको पहली बार के इस्तेमाल से इतना ज़्यादा फ़र्क दिखेगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपके बाल सच में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हो जाएंगे। तो यही तरीका है, इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपको अपने बालों को शैम्पू करके वॉश आउट करना है। ये देख सकते हैं एकदम एक भी बाल आपका नहीं टूटेगा। पहली बार के इस्तेमाल से फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, बाल आपके सच में बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, मुलायम, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।